आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। देश तोड़क पत्थलगड़ी करने वालों ने फिर दी सरकार को चुनौती। उदबुड़ू में बैंक ऑफ ग्राम सभा की हुई शुरुआत। रक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी शिक्षा बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय का भी हुआ शिलान्यास। ग्राम सभा अब 15 नवंबर की जगह 3 जून को ही मनाएगी बिरसा मुंडा की जयंती। यूसुफ पूर्ति आजा सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश तोड़क पत्थलगड़ी करने वालों ने पुलिस प्रशासन को दी खुली चुनौती। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे की बैंक ऑफ ग्राम सभा की शुरुआत। कुछ नहीं कर सका पुलिस प्रशासन, खुलेआम लोगों के खाते भी खुलवाए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार को उदबुड़ू की ग्राम सभा ने उदबुड़ू पहाड़ पर बैंक ऑफ ग्राम सभा का उद्घाटन किया। पत्थलगड़ी आंदोलन के स्वयंभू नेता यूसुफ पूर्ति ने बिरसा टूटी नामक एक ग्राहक को पासबुक देकर बैंक की विधिवत शुरुआत की। इसके साथ ही ग्राम सभा के आदिवासी शिक्षा बोर्ड के अलावा स्वास्थ्य और रक्षा विभाग के केंद्रीय कार्यालय के भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। बैंक ऑफ ग्राम सभा की कार्यशील पूंजी 100,000 करोड़ रुपए की होगी। ग्राम सभा का भरोसा है कि ये रकम सरकार की जनजातीय उपयोजना के तहत सरकार देगी। गांव के पाहन ने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना के साथ बैंक और अन्य विभागों के कार्यालयों का शिलान्यास किया। मौके पर शिविर लगाकर ग्राहकों के खाते भी खोले गए। मौके पर इस आंदोलन के अगुवा यूसुफ पूर्ति ने उदबुड़ू में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम सभा का ये बैंक कोई पहला नहीं है। बैंक खोलकर ग्राम सभा ने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बैंक चलते थे। उन्होंने कहा कि बैंक की कार्यशाली पूंजी 100,000 करोड़ की होगी। जब उनसे पूछा गया कि इतनी भारी भरकम रकम की व्यवस्था कहां से होगी, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ही पैसा देगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत सरकार के नोट ही ग्राम सभा के बैंक में चलेंगे, लेकिन वक्त आने पर ग्राम सभा अपनी करेंसी जारी करने पर विचार कर सकती है। यूसुफ पूर्ति ने कहा कि बैंक ऑफ ग्राम सभा उसी तरह काम करेगा जिस तरह अन्य सरकारी बैंक करते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में पैसे जमा करने वालों को ब्याज भी दिया जाएगा और उन्हें ऋण की भी सुविधा दी जाएगी। पूर्ति ने कहा कि बैंक का काम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका विस्तार किया जाएगा और दूसरे गांव में भी इसकी शाखाएं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी और योग्यता अनुसार ग्राम सभा के लोगों को ही बैंक में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा का अपना स्वास्थ्य विभाग होगा जहां सिर्फ आदिवासियों का ही इलाज होगा। इसके साथ ही ग्राम सभा का रक्षा विभाग होगा। सुरक्षा के लिए गांव वाले स्वशासन व्यवस्था के तहत अपने क्षेत्रों की सुरक्षा खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि उदबुड़ू में ही आदिवासी शिक्षा बोर्ड, रक्षा और स्वास्थ्य विभाग का केंद्रीय कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा सभी गाँव में अपना स्कूल खोलेगी और विश्वविद्यालय की भी स्थापना करेगी जहां आदिवासियों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। पत्थलगड़ी आंदोलन के इस स्वयंभू नेता यूसुफ पूर्ति ने हर साल 3 जून को बिरसा जयंती मनाने की घोषणा कर नए विवाद को जन्म दे दिया। पूर्ति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 3 जून को अड़की प्रखंड के चलकत के बहम्बा गांव में हुआ था। 15 नवंबर को बिरसा जयंती मनाना गलत है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इसलिए उनकी जन्मतिथि 3 जून को बैंक ऑफ ग्राम सभा, आदिवासी शिक्षा बोर्ड, स्वास्थ्य और रक्षा विभाग के केंद्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया गया। आदिवासियों द्वारा किए गए शोध में ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को नहीं 3 जून को हुआ था। देशद्रोह सहित
कई संगीन मामलों का आरोपी है यूसुफ पूर्ति। पत्थलगड़ी आंदोलन के स्वयंभू नेता यूसुफ पूर्ति पर देशद्रोह, सामाजिक विद्वेष फैलाने, प्रशासनिक कार्यों में अड़ंगा लगाने सहित कई संगीन मामले खूंटी, अड़की और मुरहु थाने में दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं यूसुफ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है, पुलिस को गिरफ्तार करने की भी खुली चुनौती दे रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही खूंटी में कहा था कि समाज को तोड़ने वालों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। इस पर पूर्ति ने सरकार को चुनौती दी थी कि वो पाताल में नहीं अपने गांव उदबुड़ू में है, हिम्मत है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। आजाद सिपाही के विशेष में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।